अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब भाइयों? आप लोग सब ठीक ठाक होंगे? आज माशाल्लाह टिकटॉक की माशाल्लाह जबरदस्त बेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही है। बहुत जबरदस्त मजेदार यमी माशाल्लाह है। आप भी बनाएं अपने घर में अपने फैमिली के साथ, एंजॉय करें। सर्दियों का सीजन है माशाल्लाह। सफेद राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ। अभी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी चलते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, किस तरह मजेदार जूसी टिक्का बनाएंगे। के साथ टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हैं, बहुत मज़ेदार घर में बना सकती है मज़ेदार टिक्का। अभी ये लेग पीस है, बड़े साइज की टिक्का है माशाल्लाह ले गए। अभी आपको दिखाएंगे किसमें किस तरह मसाला डालेंगे। सबसे पहले इस तरह इसको वॉश करके इसको कट कर लिए इस तरह। इसके बाद ये अदरक लहसुन है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसके बाद ये दही है 1 कप। ये देखें अभी इसको अच्छी तरह मसाला लगा दें, दही को अच्छी तरह इसके अंदर कट्टों के अंदर भी अच्छी तरह मिक्स करें दहियों को। इसके बाद ये टिक्का मसाला है, इसमें लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और तेज़पत्ता पाउडर है, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसका पाउडर बना के इसको किसी भी कंटेनर डब्बे के अंदर सेव करके जब भी आप टिक्का बनाओगे तो इसमें शामिल कर लें। अभी ये तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है आप ज़्यादा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड है, जो आपको पसंद है फूड कलर वो ऐड कर सकते हैं, लेमन या तंदूरी कलर। ये देखें इसकी कट्टों के अंदर अच्छी तरह मसाला डाल दें। ये देखें एक एक करके सबको अच्छी तरह मसाला लगा के ये देखें इसमें डाल रही हैं। इसके बाद इसमें बची हुई मसाले हैं ये भी ऐड कर लें। इसके बाद इसमें ये सिरका है, ये सिरका इसके अंदर ऐड कर लें 2 टेबल स्पून, 3 या 2 ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल कर लें, फिर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये बिल्कुल अभी रेडी है, अभी इसको छोड़ दें तकरीबन। ये अभी चिकन है, जल्दी गल जाती हैं, इसको छोड़ दें। अगर टाइम है 1 घंटे के लिए, अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसको मसाला लगा के तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दिए हैं। अभी इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देंगे और 2 टेबल स्पून ये सोया सॉस है। अभी इसको कर लेते हैं मिक्स। अभी इसके लिए अभी चाहिए एक बड़ा सा फ्राई पैन। अभी ये फ्राई पैन गर्म है, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, ना ऑयल ना पानी। अभी इसमें ये एक एक पीस डाल दें इस तरह। ये हो गए पूरा। अभी इसमें जो बचे हुए मसाले हैं अभी इसमें ये ऐड कर ली। कोई मुश्किल नहीं है माशाल्लाह, इजी तरीके से आप घर में बना सकती हैं। अभी ये डाल दिए, अभी इसका कैप बंद कर दें। अभी इसको छोड़ दें पकने के लिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, फिर बाद में आपको दिखाएंगे आगे। पूरा वीडियो देखें, वॉच करें, फिर आपको पता चलेगा किस तरह टिक्का बनाई है। अभी इसको बॉयल कर दें अच्छी तरह। अभी ये सॉफ्ट हो गए हैं, तकरीबन 10 मिनट इसको बॉयल कर लें, क्योंकि चिकन है माशाल्लाह। अभी ये बिल्कुल माशाल्लाह देखो पक गया है माशाल्लाह, रेडी हो गया है, नरम है। अभी इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी तवा गरम है, इसके अंदर तेल डाल दिए, अभी इसको डाल दें।
अभी हमारे पास बड़ा तवा है, अगर आपके पास तवा छोटा है तो फ्राई पैन में भी आप कर सकते हैं। देखिए अब इसको तेज करती है, देखते हैं कि माशाल्लाह भी पक गया है कि नहीं। दूसरी साइड पे कर लेंगे, अगर पक गया है ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तब इसी तरह तेज करके दूसरी साइड पे कर लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है अभी चिकन टिक्का। अभी इसके ऊपर रखते हैं कोयला, तेल ऑलरेडी इसके अंदर है, सिर्फ कोयला रख दें। अभी इसको धुआं दे रही है, अभी इसका इसका मुंह बंद कर दें टाइप की मदद से। अभी 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, अच्छी तरह ये धुआं इसके अंदर चला जाए, इसके बाद आपको दिखाएंगे मज़ेदार चिकन टिक्का। माशाल्लाह अभी ये बिल्कुल हो गए रेडी माशाल्लाह। ये देखिए अंदर की अंदर से माशाल्लाह कितनी जूसी माशाल्लाह सौ मज़ेदार है। अभी बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, घर पे या बच्चों के लिए बनाएं कि बच्चे ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद करती हैं। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने खास दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू जज़ाकअल्लाह। आप हमारे वीडियोज़ पसंद कर रही हैं, लाइक शेयर कमेंट्स दे रही हैं अच्छी अच्छी। अभी मिलती है नेक्स्ट वीडियो पर इन शानदार न्यू रेसिपी के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।